सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 48। अली और बहादुर दो पार्टनर हैं फर्म के अंदर, और प्रॉफिट लॉस को कैसे शेयर करते हैं, 70% और 30%। तो भाई सीधा बोल दे, 7:1 किसके अंदर कन्वर्ट शेयर करते हो आप, 7:3 के अंदर। कहते हैं रिस्पेक्टिवली जो कैपिटल है उनकी, वो 1 अप्रैल से है, मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। अली की कितनी है, 25,000, और बहादुर की कितनी है, 20,000। कहता है पार्टनर को अलाउ किया जाएगा 5% बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कहता है ड्रॉइंग ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016, अमाउंट कितना है, 3500 और 250, 2500 रिस्पेक्टिवली। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई हमारे को, आपका अमाउंट है, आप जितना मर्जी निकाल लो, तो हम तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे अगर क्वेश्चन कहेगा, नहीं तो हम ड्रॉइंग आपकी कैपिटल में माइनस कर देंगे। कहता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको प्रॉफिट दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं की गई, अच्छी बात है भाई, चार्ज नहीं करनी है। एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर, बहादुर की जो सैलरी है वो भी नहीं चार्ज की, तो अच्छी बात है भाई। कितनी है बहादुर की सैलरी, 3,000 है, और जो प्रॉफिट हमारे को दिया हुआ है वो दिया है 40,000। कहता है 10% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैप्ट इन रिजर्व, कहता है 10% जो प्रॉफिट है ना उसको आप रिजर्व रख लो। पहले क्या था, डिविजिबल प्रॉफिट, लेकिन अब सिर्फ बोल रहा है प्रॉफिट को आप क्या कर लो, रिजर्व में रख लो। प्रिपेयर करो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अबाउट ट्रांजेक्शन। तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, करंट अकाउंट बना देते हैं, ठीक है ये बना दिया हमने करंट अकाउंट, ये क्या लिख दिया, करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर का, पार्टनर कौन है हमारे पास, अली है और बहादुर, ए भी लिख देते हैं, ए और बी। कैपिटल कितनी लगाई है उन्होंने, स्टार्टिंग में 7:3 है, और कैपिटल कितनी लगा रखी है, 25,000 20,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी, ठीक है। कितना है, 25,000, 25,000, ठीक है, और सेकंड का कितना है, 20,000, ठीक है। इनको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, कितना दे दें, 5% दे दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5%, तो 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, और आपने कितना देना है, 5%, तो कितना हो जाएगा, 250 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो कितना आएगा आपके पास, ए को देना है और ये बी को देना है, ये आ जाएगा आपके पास 1,250, बी के 2 0 काट दो यहाँ से, ठीक है। तो कितना बचेगा, 200, और 5% देना है तो कितना हो जाएगा, ये 1,000, 1,000, तो ये कितना हो जाएगा, 2,250। और यहाँ क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट के अंदर डालेंगे बैलेंस, कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं डालना है अपने, लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है अली को, कितना मिला है, 1,250, और बहादुर को कितना मिला है, ये मिला है 1,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि इन्होंने पार्टनर ड्रॉइंग की है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016, कितने की है, 3,500 और 2,500, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ से की है। अगर क्वेश्चन साफ बोलता कि भाई हमने कैपिटल में से निकालने हैं, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से माइनस करते, लेकिन नहीं बताया, तो हम क्या ट्रीट करेंगे इसको, कि नॉर्मल प्रॉफिट में से निकालने होंगे, तो हम कहाँ से करेंगे इसको, करंट अकाउंट में डील करेंगे, तो क्या लिखेंगे, टू ड्रॉइंग, ठीक है ना। ड्रॉइंग अली ने कितनी की है, 3,500, और बहादुर ने कितनी की है, 2,500। इंटरेस्ट तो नहीं है इसके ऊपर। कहता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर है ये, कितना दिया हुआ है, 40,000, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। लोन तो नहीं दे रखा किसी ने, लोन नहीं दे रखा है, यहाँ कितना लिखेंगे, 40,000, ठीक है। क्वेश्चन कहता है सैलरी देनी है किसको, बहादुर को दे देंगे, टू बी करंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना, कैपिटल के अंदर डील नहीं करेंगे, करंट को डील करेंगे अगर कैपिटल के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन होती है। कितना देना है, 3,000 दे देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय सैलरी किसको देनी है, ये बहादुर को, कितनी देनी है, ये 3,000। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, 10% जो प्रॉफिट है ना उसको रिजर्व रख लो, प्रॉफिट कितना था, 40,000, तो इसको रिजर्व रखो, टू जनरल रिजर्व, कितना रखना है, 10%, तो 10% कितना हो जाएगा हमारे पास, 4,000, और तो कुछ है नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर करंट
करंट अकाउंट में डील करेंगे, किसको? अली को और बहादुर को। प्रॉफिट देखो कितना था हमारे पास, तो टोटल कर लेते हैं 40,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 40,000। ठीक है, 40,000 में से क्या माइनस करना है, ये सैलरी कितनी थी यहाँ पर, 3,000 थी। ठीक है, अगर हम बात करें 40,000, 40,000 में से आपको क्या माइनस करना है, माइनस करो आप 40,000 माइनस कितना करोगे 2,250, और माइनस कितना करोगे आप 3,000, और कितना है ये 4,000, माइनस करोगे 7,000। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30,750। तो 30,750 को किस रेशो में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7:3 में। तो डिवाइड किससे करोगे, 7 और 3 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 3,075 एक हिस्से में। तो इसको कितने देने हैं, 7 हिस्से, और जो बी को है उसको कितने हिस्से देने हैं, उसको देने हैं 3 हिस्से। तो अगर हम बात करें 30,075 को कितने हिस्से देने हैं, ये 7 हिस्से देने हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 21,525। और इसमें से अगर हम माइनस करें क्या ये 30,750, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9,225। अब इसको कहाँ डाल देते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एप्रोप्रिएशन के अंदर डाल देते हैं, कितना डाल देते हैं, ये था हमारा 21,525। ठीक है, और यहाँ कितना था 9,000, और ये कितना था 225। ठीक है, तो अब टोटल कर लेते हैं। ठीक है, और तो कुछ रहा नहीं हमारे पास, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को टोटल करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 25,000, ये कितना आ जाएगा 20,000। यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो ये आप टोटल करोगे इसको। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 25,000, ये कितना आ जाएगा 20,000, ये कितना आ जाएगा 20,000, और ये कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, अब आप इसका टोटल करो, टोटल कितना करोगे, ये 1,000 प्लस 3,000, तो कितना हो जाएगा 4,000 प्लस 9,000, ये कितना हो जाएगा 13,000, 13,225। ठीक है ना, 13,225। ठीक है, और इसमें से तो 13,225 में से आपने कितने माइनस करने हैं, 2,500 माइनस करने हैं, तो मेरे पास कितना बचेगा 10,725। ठीक है, अगर हम बात करें ए केस की, तो यहाँ पर मेरे पास कितना था अमाउंट 1,250, प्लस क्या करोगे 21,525, दोनों को ऐड करोगे तो मेरे पास कितना बनेगा 22,775। यहाँ क्या आ जाएगा 22,775, इसमें से माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे 3,500, 3,500, तो आपके पास कितना बनेगा 19,275। ठीक है, तो ऐसे आपने करके चलना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।